सभी सुंदर सा ध्यान दीजिएगा। इस आध्यात्मिक शिविर का विशेष आकर्षण है श्री किताब महासागर पार्वत सागर ग्रंथ की श्रीमुख वाणी चर्चा, और हमारा परम सम्माननीय विद्वत मंडल पूरा प्रयास कर रहा है कि इस आध्यात्मिक शिविर के दौरान श्रीमुख वाणी चर्चा के माध्यम से आप सभी सुंदर साहब को मार्फत सागर का सार समझ में आ जाए। लेकिन सुंदर साहब जी, चूंकि मार्फत सागर की चुपैया अधिक हैं, लगभग 1034 हैं, और हमारे मंच सीमित हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि प्रातः के मंच पर, सिर्फ प्रातः के मंच पर मौसम भी अनुकूल होता है और समय भी भरपूर होता है, इसलिए प्रातः के मंच पर श्री मुखवाणी चर्चा के दो सत्र आज से प्रारंभ हो जाएंगे। सुंदर साहब जी, मैं समझ रहा हूं और मुमकिन है कि लगातार दो घंटे बैठना असुविधाजनक होता है और हम सुंदर साहब को नीचे बैठने का अभ्यास भी नहीं है, लेकिन आपसे आत्मीय प्रार्थना है कि थोड़ा शरीर को कष्ट देना स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि इससे यदि हम मार्फत सागर का सार समझ लेंगे तो निश्चित रूप से इस आध्यात्मिक शिविर में हमारा आगमन सार्थक हो जाएगा। इसलिए यदि थोड़ी बहुत असुविधा हो रही है तो अपने आत्म कल्याण के लिए इसे थोड़ा सहन कर लीजिएगा। एक शिवमानी भाव पेश करने जा रहे हैं हर्षद भाई जी, और उसके बाद परम आदरणीय सुशांत जी हम सुंदर साहब को मार्फत सागर की शिवमानी चर्चा का सारगर्भित ज्ञान बताएंगे। अब आइए हर्षद भाई जी। बोले श्री प्राण प्यारे की जय। मार्फत सागर प्रकरण 13वां। झंडा हकीकी खड़ा हुआ हिंद में, उसकी खोज को चौपाई आपके सामने में लाने जा रहा हूं।
झरने